बिल्लियां हमेशा से इंसानों के बेहद करीब रही है। कैट्स का मिस्टीरियस नेचर भी इनकी ओर लोगों को अट्रैक्ट करता है। आखिर ये होती ही इतनी क्यूट है कि इन पर किसी का भी दिल आ जाए। साथ ही इनका नॉटी अंदाज भी लोगों को बेहद भाता है। यानी डॉग की तरह कैट भी पालतू जानवरों की लिस्ट में सबसे आगे होती है। लेकिन आज हम आपको दुनिया में पाई जाने वाली बिल्लियों की कुछ ऐसी नस्लों के बारे में बताने वाले हैं जो बड़ी ही खतरनाक मानी जाती है। इनके अग्रेसिव नेचर को देखकर किसी की भी चीख निकल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन बिल्लियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। फैक्ट्स अबाउट कैट्स। दुनिया में काफी कम लोग ही ऐसे होंगे जो बिल्लियों के बारे में ना जानते हो या इन्हें ना देखा हो। कहा जाता है कि जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ बिल्लियाँ तो होती ही है। खास तौर से डेवलप्ड कंट्रीज में तो बिल्लियों को पालतू बनाने का ट्रेंड काफी जोरों शोरों से चल रहा है। क्यूट और ब्यूटीफुल कैट के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, मगर आज के वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी बिल्लियों के बारे में बताएंगे जो डेंजरस मानी जाती है। हम आपको इन बिल्लियों के बारे में बताएं, उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं बिल्लियों के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर। बिल्ली को इंटेलिजेंट एनिमल की लिस्ट में रखा जाता है। ये काफी समझदार होती है और ट्रिक सीखने में भी माहिर होती है। यूं तो बिल्लियों का लाइफ स्पैन 12 से 15 साल तक होता है, मगर कैप्टिविटी और घरों में रखने वाली बिल्लियां इससे भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकती है। क्या आप जानते हैं कि कैट को आलसी जानवर भी कहा जाता है? दरअसल ये दिन का लगभग एक तिहाई समय सोने और आराम करने में ही बिता देती है। इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल्लियां इंसानों से कम्युनिकेट करने के लिए म्याऊं शब्द का इस्तेमाल करती है। बिल्लियां आपस में कॉन्टैक्ट करने के लिए अलग तरह की आवाज निकालती है। वैसे बिल्ली को लेकर इस दुनिया में कई तरह की मान्यताएं हैं, जिसमें से कुछ सही है तो कुछ अफवाह। खैर, ये तो लोगों की सोच है। फिलहाल हम आपको कुछ डेंजरस कैट से मिलवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सियामीज कैट के बारे में। नंबर 10, सियामीज कैट। सियामीज कैट को सबसे अग्रेसिव और टेरिटोरियल ब्रीड माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरे पेट से जेलस होती है और इनके साथ एडजस्ट करने में इन्हें काफी वक्त लगता है। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि ये एक अट्रैक्टिव कैट ब्रीड है, क्योंकि कैट लवर्स के लिए ये एक फेवरेट ब्रीड है। इसकी बड़ी आंखें इसे बेहद खास बनाती है। हालांकि ये डॉग्स के साथ मेल झोल बढ़ा सकती है, मगर उतना ज्यादा फ्रेंडली नेचर की नहीं होती है। साथ ही घर में भी बहुत कम लोगों के साथ ही एडजस्ट कर पाती है। बताया जाता है कि घर में एक दो मेंबर्स को छोड़कर ये दूसरे लोगों से कांटेक्ट अवॉइड करती है। यहाँ तक कि इसे बच्चे भी पसंद नहीं। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बाय बर्थ व्हाइट कलर की होती है, मगर बढ़ती उम्र के साथ पिगमेंटेशन की वजह से इसका कलर बदलता रहता है। नंबर 9, स्फिंक्स कैट। इस हाइपर एक्टिव कैट को देखकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल इसकी अपीयरेंस ही इतनी अजीब है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैट फैमिली से है या डॉग फैमिली से। इसकी हेयरलेस बॉडी इसे कैट ब्रीड में सबसे अलग और अनोखा बनाती है। हालांकि ये काफी इंटेलिजेंट होती है और अपना ज्यादातर वक्त खेलने में ही बिताती है। स्फिंक्स कैट ओनर ये मानते हैं कि ये ट्रिक सीखने में भी माहिर होती है। वही इसकी अग्रेसिव टेंडेंसी को दूर करने के लिए लगातार इसके एंटरटेनमेंट का जुगाड़ करके रखना पड़ता है, क्योंकि इसे बोरियत पसंद नहीं। साथ ही अगर ये कभी हैप्पी फील नहीं करती है तो वायलेंट भी हो सकती है, और इसलिए इनका बेहद ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 8, बॉम्बे कैट। बॉम्बे कैट ब्रीड को हाइब्रिड मिक्स माना जाता है। अगर इसके नेचर की बात करें तो फियरलेस होने के साथ साथ ये अग्रेसिव भी होती है। स्टर्डी बॉडी इसे और भी अमेजिंग लुक देती है, जो दिखने में स्मॉल साइज के पैंथर की तरह लगती है। दूसरी बिल्लियों की तरह इसे पेट बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए पेट ओनर्स को एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर इसने ज्यादा देर तक अपने ओनर्स को नहीं देखा तो ये अग्रेसिव मोड में चली जाती है, जिसके बाद इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। नंबर 7, स्कॉटिश फोल्ड कैट। स्कॉटिश फोल्ड कैट दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैट्स में से एक मानी जाती है, मगर इसकी खूबसूरती के पीछे मत जाइए, क्योंकि कभी भी ये वायलेंट हो सकती है। इसीलिए कुछ लोग इसे केवल सिंगल मेंबर वाले घर के लिए ही सूटेबल मानते हैं, ताकि स्कॉटिश फोल्ड कैट के साथ ओनर की अच्छी बॉन्डिंग रहे और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। साथ ही ये कैट काफी अटेंशन सीकर होती है, तो अगर आप ज्यादातर वक्त अपने घरों में नहीं रहते हैं तो आपको इसे पेट बनाने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। नंबर 6, अमेरिकन वायर हेयर कैट।
इस बिल्ली का नाम इसके कोट की वजह से पड़ा है। मीडियम साइज की ये कैट काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इंटेलिजेंट और हाईली अडैप्टेबल इस कैट ब्रीड को अमेरिका का नेटिव माना जाता है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली इस बिल्ली का लाइफ स्पैन 7 से 12 साल तक का होता है। अगर इसके कलर की बात की जाए तो ये बहुत से कलर पैटर्न्स की होती है, जिसकी वजह से इसकी देखभाल के लिए आपको काफी समय स्पेंड करना पड़ सकता है। वैसे तो ये ह्यूमन फ्रेंडली नेचर की होती है, लेकिन कई बार इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि प्रवोक किए जाने पर ये हमलावर हो जाती है। आपको बता दें कि कई बार काफी देर तक घर में अकेले रहने पर ये फर्नीचर वगैरह को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं झिझकती। यानी कि इस कैट को पेट बनाने से पहले आपको अपनी जेब का भी खासा ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 5, सिंगापुरा कैट। सिंगापुरा कैट इस लिस्ट की सबसे छोटी कैट ब्रीड है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये घर के लगभग सभी जगहों का मुआयना करती रहती है जहाँ तक ये पहुँच सकती है। आपके सिर से लेकर घर के सामान के ऊपर उछल कूद करना इसका नेचर है। हाँ, इस दौरान इसके नुकीले पंजों से कितना नुकसान होगा इसके बारे में तो वही बता सकता है जिसने ये एक्सपीरियंस किया हो। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दूसरी बिल्लियों की तरह बढ़ती उम्र के साथ साथ इसकी हाइपर एक्टिव प्लेफुलनेस खत्म नहीं होती, बल्कि ये उसी एक्साइटमेंट के साथ हंगामा मचाती रहती है। इसके अलावा ये काफी जोर से आवाज भी निकालती है। किसी को भी स्क्रैच और बाइट करने में ये ज्यादा हेजिटेट नहीं करती। इसके बारे में एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप कैट ओनर के फैमिली मेंबर्स नहीं है तो फिर इसे एडजस्ट करने में टाइम लगता है। साथ ही ये नए लोगों पर अटैक भी कर सकती है, इसी वजह से ज्यादातर लोग इसे पेट बनाने के लिए सेलेक्ट नहीं करते। आपका क्या ख्याल है, क्या आप इस कैट को पेट बनाना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4, सिमरिक कैट। सिमरिक कैट कैट की दूसरी स्पीशीज को पसंद नहीं करती है। साथ ही किसी के द्वारा उकसाए जाने पर यह बेहद अग्रेसिव भी हो सकती है। मीडियम साइज की इस ब्रीड का शरीर काफी मस्कुलर होता है। इसके बारे में एक बात खास है कि इसकी पूंछ बहुत छोटी या नहीं के बराबर होती है, मगर फिर भी ये काफी अच्छे से जंप कर सकती है। हाइपर एक्टिविटी और क्यूरियस नेचर के कारण सिमरिक कैट को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे संभालते संभालते कैट ओनर के पसीने छूट सकते हैं, तो अगर आपके दिल में इसे पेट बनाने की ख्वाहिश हो तो जरा संभल कर। नंबर 3, चाउसी कैट। साउथ सेंट्रल एशिया में पाई जाने वाली कैट की ये ब्रीड स्मॉल और मीडियम साइज की होती है। इस नस्ल की बिल्ली की पूंछ काफी छोटी होती है, मगर कान का साइज बड़ा होता है। हालांकि इंसानों के साथ फ्रेंडली होती है, मगर बच्चों के लिए सूटेबल नहीं मानी जाती। रनिंग, क्लाइंबिंग जैसी फिजिकल एक्सरसाइज इसकी हैबिट है, या यूं कहे कि इस तरह की एक्टिविटीज इसे काफी पसंद है। चाउसी एक सोशल कैट है और ये अपने ओनर से अटेंशन की उम्मीद करती है। नंबर 2, सवाना कैट। मेल अफ्रीकन सर्वल कैट और एक डोमेस्टिक सियामीज फीमेल की क्रॉस ब्रीडिंग से कैट की इस ब्रीड का जन्म हुआ। सवाना कैट के शरीर पर यूनिक स्पॉटेड कोट पाया जाता है। इतना ही नहीं, ये काफी एक्टिव और इंटेलिजेंट भी होती है। हालांकि ये रेयरली ही ह्यूमन पर अटैक करती है, मगर कई सिचुएशंस में ये नॉर्मल कैट से ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है और साथ ही नुकसान भी पहुंचा सकती है। ध्यान रहे कि ये कैट ब्रीड करीब 8 फीट की ऊंचाई तक जंप कर सकती है। साथ ही ये साइज में भी बड़ी होती है, जिसमें इनके लंबे पैर काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खास बात ये है कि कुछ देशों में इसे पेट बनाया जाना मना है। नंबर 1, बंगाल कैट। कैट फैमिली में अगर आप किसी रॉयल कैट की तलाश कर रहे हैं तो बंगाल कैट के साथ आपकी तलाश खत्म हो सकती है। इसका ब्यूटीफुल कोट इसे अमेजिंग लुक देता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये एक हाइब्रिड कैट है जो हाउस कैट और लेपर्ड की क्रॉस ब्रीडिंग से बनी है। इसका लुक भी बिल्कुल बिग कैट की तरह ही लगता है। कुछ लोग तो इसे बेबी लेपर्ड समझने में भी भूल कर बैठते हैं। इसके शरीर पर लेपर्ड जैसा पैटर्न देखने को मिलता है, तो वही पैरों पर टाइगर की तरह ब्लैक स्ट्राइप्स दिखती है, जिसकी वजह से ये और भी अमेजिंग लगती है। ये अट्रैक्टिव तो होती है, लेकिन कई मौकों पर अग्रेसिव भी हो जाती है। अगर आप किसी लो मेंटेनेंस कैट की तलाश कर रहे हैं तो बंगाल कैट के बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। तो ये थी कैट्स की कुछ ऐसी नस्लें जो नॉर्मल कैट्स के मुकाबले अग्रेसिव नेचर की होती है, जिन्हें घर के माहौल के लिए डेंजरस माना जाता है। यही वजह है कि इन्हें बहुत कम लोग ही पेट बनाते हैं। साथ ही कैट ओनर्स को इनकी मेंटेनेंस के लिए काफी एक्टिव भी रहना पड़ता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे कुछ नए और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।